हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यमी रेसिपीज़ बाय पल्लवी। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आइए बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी साबुत काली उड़द की दाल ली है और एक छोटी कटोरी राजमा लिया है, और इन दोनों को मैंने 4 से 5 घंटे भिगो कर रख दिया था। भीगने से क्या होता है, ये जल्दी से कुक हो जाती हैं। और यहाँ पर जब अच्छे से ये भीग गई तो मैं यहाँ पर इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। और उबलते हुए यहाँ पर इसमें नमक डाला है, 2 लौंग डाली है और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला, थोड़ा सा हींग, जीरा और 2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चना मसाला डाला है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। और मसाला भूल जाने के बाद यहाँ पर मैंने टोमेटो प्यूरी जो तैयार की थी उसको डालकर स्लो गैस पर इस मसाले को आप भुनने दीजिए। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए, जैसे पता चल जाए कि घी रिलीज़ कर दिया है, तो इट मीन्स ये अच्छे से भुन गया है, तो हम अपनी दाल को इसमें डाल देते हैं। दाल को आप हाथ से अच्छे से चेक कर लीजिए कि अच्छे से बॉयल हुई है कि नहीं, और इसमें डालकर अच्छे से मिला लीजिए। और यहाँ पर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिए। और एक बॉयल आने के बाद यहाँ पर मैंने 1/2 ग्लास दूध लिया है, और उसको आप दाल में डालकर अच्छे से चलाइए। और दूध डालने के बाद इस बात का ध्यान रखिए, फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए और लगातार इसको चलाते रहिए। इसको लगातार बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये दाल आपकी नीचे से चिपक भी सकती है। और एक खदका आने के बाद इसको आप ढककर रख दीजिए, और 10 से 12 मिनट के बाद जब आपकी दाल पक जाए तो इसमें मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, उसको हाथों से अच्छे से क्रश कर दिया था, उसको आप डालिए, इससे उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी। और दाल मखनी है और मक्खन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो मक्खन थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में लीजिए और कटे हुए धनिए से इसको गार्निश कीजिए। और दाल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी दाल धीरे धीरे बन रही है और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। कितना टेस्टफुल लग रही है। और जब दाल बन जाए तो इसमें यहाँ पर आप छौंक को, अगर आप पसंद करते हैं लाल मिर्च का छौंक है, उसको डालिए, और लास्ट में फ्रेश क्रीम या मलाई से इसको गार्निश कीजिए। हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। इसको मैंने यहाँ पर राइस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो रोटी, पराठा या नान किसी के भी साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।